हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और आरबीआई के बारे में कि वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी फाइनेंशियल एंड फिक्सल इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्जिम बैंक और आरबीआई के बारे में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम एक्जिम बैंक भी बोलते हैं, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज एक्जिम बैंक, वो सेटअप इन 1982। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर द फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इट वॉज प्रीवियसली ए ब्रांच ऑफ द आईडीबीआई, बट एज द फॉरन ट्रेड सेक्टर ग्रो इट वॉज मेड इन टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो, पहले इसकी एक ब्रांच भी थी आईडीबीआई, बट अभी हमारा फॉरेन सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो हो रहा है, तो एक्जिम को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया है। ये जो है ये काम करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब पैसा प्रोवाइड करवाता है इंडिया को फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। फंक्शंस क्या होंगे इसके, द मेन फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, एंड इट ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूट दैट वर्क इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर। द अल्टीमेटली एम इज टू प्रमोट फॉरन ट्रेड एक्टिविटी इन द कंट्री। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कि पैसा प्रोवाइड करवाता है जब आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो वर्किंग के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट की जाए चीज़ें, इम्पोर्ट कम करवाई जाएँ। अल्टीमेटली इसका एम क्या होता है, फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। फंक्शंस ऑफ द एक्जिम बैंक, लेट अस लुक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। फाइनेंस करता है, मतलब कि ये नहीं कहते हैं कि हम बोलते हैं ना कई बार, ये हमारे फाइनेंसर हैं, हमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी फिल्म की है, कोई भी हमने कुछ भी लॉन्च किया है, तो हम ये नहीं कहते भाई हमारा फाइनेंसर ये है जिसने हमें पैसा दिया है, बनाई हमने, किया हमने, तो फाइनेंस इसने किया है। उसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए इंडिया के अंदर एक्जिम बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंसर होता है, जिसको हम स्पॉन्सर भी बोल देते हैं कि भाई इसने हमें स्पॉन्सर किया है, मतलब पैसे दिए उस चीज़ के लिए। इट ऑल्सो फाइनेंस द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया। इंडिया के अलावा भी और भी कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, मतलब अगर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इंडिया के अलावा भी ये फाइनेंस को प्रोवाइड करवाता है। इट फाइनेंस द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरीज ऑन लीज और हायर्स परचेज बेस एज वेल। ये फाइनेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मशीन और मशीनरीज के लिए प्रोवाइड करवाता है, जो लीज पर ली जाती है, हायर की जाती है, परचेज की जाती है, उन सब के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। प्रोवाइड री फाइनेंसिंग सर्विसेज टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर देयर फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। री फाइनेंसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, दोबारा से फॉरेन ट्रेड को करने के लिए, फॉरेन ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए दोबारा फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। एक्सिम बैंक्स विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिजनेस जॉइनिंग ए जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्री। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस के साथ, मतलब उनके बिजनेस के साथ मिलके काम करना, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिएगा, तो वो पैसा भी एक्जिम बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप उन फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को ज्वाइन करके किसी के साथ काम कर सकते हैं। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपेंडिंग इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। द एक्जिम बैंक विल प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एज वेल एज। जो बैंक है वो सारी टेक्निकल असिस्टेंस जो होती हैं, टेक्निकल जो भी बातें होती हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो सारी प्रोवाइड करवाता है डिपेंडिंग कंट्रीज को, जो मतलब प्रोसेस करने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए कि भाई आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस तरीके से गुड्स को कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है, जो कंट्रीज डिपेंडेंट है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाता है। एक्जिम बैंक पूरी गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाता है कि क्या मैटर है, किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके से आपको काम नहीं करना है। अंडरटेक फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन ट्रेड। सारे जो फंक्शंस होते हैं मर्चेंट बैंक के, उनको भी अंडरटेक करता है, उनको भी लेता है भाई एक्सपोर्टर्स कौन है, इम्पोर्टर्स कौन है, किस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करनी है फॉरन ट्रेड के अंदर। विल ऑल्सो अंडर राइट शेयर डिवेंचर स्टॉक्स बॉन्ड्स ऑफ ए कंपनी एंगेज इन फॉरन ट्रेड। ये चीज़ें भी राइट करता है कि भाई कितने शेयर होंगे, कितने डिवेंचर्स होंगे,
कितने स्टॉक्स बोन होंगे कंपनी के जो एंगेज होंगे, मतलब सारी चीजें देखता है जो एंगेज है फॉरेन ट्रेड के अंदर, वो सब चीजों को देखता है एग्जिम बैंक। नेक्स्ट है विल ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स और लाइन्स ऑफ क्रेडिट इन फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। फॉरेन बैंक और गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन्स भी एग्जिम बैंक प्रोवाइड करवाता है। एग्जिम बैंक कैन ऑल्सो प्रोवाइड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज और एक्सपोर्ट नॉलेज टू द इंडियन एक्सपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी फंडेड प्रोजेक्ट इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी मल्टी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिनको फंड प्रोवाइड करवा सकता है, तो एग्जिम बैंक जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एडवाइस देता है कि पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो इंडियन एक्सपोर्ट करते हैं बाहर भेजते हैं सामान को, कि भैया आप कहाँ पे पैसा लगा सकते हो, कहाँ पे पैसा लगाना आपके लिए सेफ रहेगा, कहाँ पे बेनिफिशियल है इस टाइम के ऊपर, तो वो एडवाइजेस भी एक्सिम बैंक प्रोवाइड करवाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड रेगुलेट द फॉरन एक्सचेंज मार्केट इन द कंट्री। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हमारी इंडिया का, जो रेगुलेट करता है फॉरन एक्सचेंज को हमारी कंट्री के अंदर, करता है फॉरन एक्सचेंज को अपनी कंट्री के अंदर। आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट द गवर्न्स ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। आरबीआई जो वो मैनेज करता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंडिया की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करके चलता है आरबीआई। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट द एक्सचेंज रेट पॉलिसी टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉर्मुलेट करता रहता है, इम्प्लीमेंट करता रहता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मतलब क्या क्या नई नई पॉलिसीज बनाता रहता है मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। आरबीआई इशू गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन कंसर्न फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड कंट्रोल कैपिटल फ्लो टू मैनेज द कंट्री एक्सटर्नल सेक्टर। आरबीआई जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, रेगुलेशन प्रोवाइड करवाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर कि किस तरीके से आप कैपिटल फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। देखो जो एग्जिम बैंक है वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, आरबीआई जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, एक्ट प्रोवाइड करवाता है, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करवाता है मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम करता है, सारी गाइडलाइंस आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। आरबीआई का यही काम होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर, एग्जिम बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वो कम्प्लीट हो गया है, और हमारी जो यूनिट सेकंड है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।